हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हैप्पी मकर संक्रांति। वैसे ब्लॉग मेरा लेट जा रहा है और आजकल मैं ब्लॉग भी बनाना बहुत मैंने कम कर दिया है। क्यों कम कर दिया ये आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, बच्चों का स्कूल होता है 8 बजे। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सेवई और मेथी के पराठे। सेवई वो खा कर जाएंगे और मेथी के पराठे लेकर जाएंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा सेवई भून रही हूँ बस प्रिंस और पीहू के लिए। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ, किचन में जाती हूँ, जो थोड़ा बहुत तैयारी होता है नाश्ते बनाने का वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बच्चों को उठाती हूँ। पानी गर्म करने के लिए मैं पहले ही लगा देती हूँ। देख सकती हो आप मेरा मोबाइल मैं रख रही हूँ, वो गिर गया। और लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ से लाइट आता है किचन में। अगर यहाँ मैं रखूँ तो थोड़ा बहुत फोकस करता है कैमरा बटना, और मैं अगर पीछे वगैरह कहीं रखूँ ना तो फोकस ही नहीं करता। और यहाँ भी देख सकते हो इतने अच्छे से फोकस नहीं कर रहा है। इस वजह से ना मेरा मन नहीं करता है ब्लॉग बनाने, कहीं से भी लाइट नहीं आती है और थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इस वजह से, और अच्छा भी नहीं दिखता है। तो SD के ज़माने में लोग ऐसे वीडियोज़ क्यों देखेंगे, तो बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए मैं कुछ दिन रेस्ट कर लेती हूँ, मन टूट जाता है मेरा। फिर सोचती हूँ कि चलो थोड़ा सा कुछ तीज त्यौहार होता है तो बना लेती हूँ। और यहाँ पर मेरे मेथी के पराठे बनने लगे हैं। अब मैं बच्चों को मैंने उठा दिया है, वो तैयार हो रहे हैं अपना, जो भी नहाना और ब्रश वगैरह करना और सब। मैं ड्रेस वगैरह उनका निकाल के ना दोनों का जगह पे लगा देती हूँ। मेरे बच्चे ऐसे नहीं है कि कुछ ढूंढ ढूंढ के पहनेंगे, उनको सब चीज़ हाथ में देना पड़ता है। तो सब मैं दोनों का, दोनों के बेड पे लगा देती हूँ, प्रिंस का एक जगह और पीहू का एक जगह। तो मेथी के पराठे या बथुआ के पराठे, पालक के पराठे बच्चों को मेरे बहुत पसंद है। वैसे भी सर्दियों में बच्चों को देना चाहिए ये मेथी वगैरह पराठे के रूप में, क्योंकि ऐसे साग वगैरह तो वो खाएंगे नहीं। तो जिस तरह से भी वो खाते हैं उस तरह से हमें दे देना चाहिए, ताकि उनके अंदर भी ग्रीन वेजिटेबल जा सके। और देख सकते हो मेरे पराठे कितने सॉफ्ट बने हैं। ये सॉफ्ट बनने का यही राज है कि इसमें मैं डालती हूँ दूध की मलाई, और इसमें मैं प्याज जल्दी जल्दी मिर्च करो। और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और दूध की मलाई ज़रूर से डालिएगा। इससे मेथी के पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। ठंडी और धूप निकल गई है आज हमारे यहाँ। वन से फाइव तक के बच्चों का ना छुट्टी है 15 तारीख तक, और 6 से 10 का बस चल रहा है स्कूल, क्योंकि ठंडी जोरदार बढ़ गई है। इस वजह से बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। फटाफट से जाओ पियो लेकर आओ। तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद, उसके बाद मैं आती हूँ तो फिर से हमारा ब्रेकफास्ट बनने लगता है। तो ये घर वालों के लिए बनता है, तो यहाँ बन रहा है आलू मटर की सब्ज़ी, और मैंने दोबारा से आटा लगा लिया है। तो ये फिर से मैंने मेथी के पराठे का ही आटा लगाया है, और सब्ज़ी और पराठे भाई लेकर जाएंगे और खा कर जाएंगे। तो हमारे घर में ना 3 बार ब्रेकफास्ट बनता है, आपको मैं बता दूँ। एक बार बच्चों के लिए, फिर एक बार मम्मी और भाई के लिए, फिर एक बार मेरे लिए। मैं अपने लिए कुछ और बनाती हूँ, बट आज मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। वही जो मेथी के पराठे थे और आलू मटर का सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी नहीं, वो पत्ता गोभी की सब्ज़ी थी रात वाली, मैंने वो लिया था और चाय। तो आज मैंने यही ब्रेकफास्ट किया। और गाइज़ ये नेक्स्ट डे का है ब्लॉग। तो यहाँ पर मैंने दूध बैठा दिया है, इसे हम काढ़ा करेंगे तब तक जब तक कि ये पूरा रेड ना हो जाए। और इसे हम दही के लिए बैठाया है हमने। जोरन नहीं लाए क्या? जोरन फुल माँ है ना यहाँ। हाँ जोरन तो नहीं लाए। ए माँ हम तो जोरन को बता शिमला लाती माई बोरे क्या क्या ला के दी, हम क्या बोले थे? जोरन कहते हैं, जोरन के जगह शिमला ला दिया है, उसी को डाल दे शिमला को। हाँ हम बोला कि कल शिमला ले ली, टमाटर शिमला ले लो, 10 का शिमला ले लिए। पक हो गया है तैयार? हाँ हो जाएगा।
यहाँ पर हम बनाने लग गए हैं लड्डू। मूढ़ी का और चूड़ा का हमारे घर में बनता है और ये हमारा साथ के साथ दूध भी बॉयल होता जा रहा है। तो इसे आप लोग, हम लोग मतलब ऐसे जमाते हैं गाढ़ा करके, हमें वाइट दही पसंद नहीं है तो इस वजह से हम पूरा रेड करते हैं। और हम क्या, मुझे खास कर वाइट दही नहीं पसंद है तो हम रेड करके ही जमाते हैं। और यहाँ पर मैं जब तक छत में थी, मम्मी ने हमारा पाक, हमारी मम्मी ने पाक तैयार कर लिया है गुड़ का, और थोड़ा सा मुझे लेट हो गया आने में। तो इसके बाद हम बनाएंगे मूढ़ी के लड्डू। तो यहाँ पर मैंने कैमरा ऊपर रखा थोड़ी देर के लिए, वो सही था, फिर उसके बाद मेरा मोबाइल गिर गया। जब से मैं ब्लॉग बनाने लगी हूँ, मेरे मोबाइल का स्क्रीन मैं कितने बार बदल चुकी, इतने बार वो टूट चुका है ना। तो उसके बाद मैंने प्रिंस से बोला कि प्रिंस थोड़ा सा बना दो, आगे आप लोग सुनिएगा, बट बच्चे नहीं बनाने खोजते हैं। हाँ थोड़ा शूट कर दो मेरा ये वाला, थोड़ा सा कर दो बस 2 सेकंड के लिए। नहीं नानी करा दी। सो गाइस, तो हम तैयार हो गए हैं और हम चलते हैं मार्केट। मार्केट में हम क्या क्या लेंगे वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे हम। तो चलिए चलते हैं। आईलाइनर मैंने लगाया है, वो सूखा नहीं है तो ऐसे आँख उठाने में डर लग रहा है, डर लगना चाहे कहीं। देख रहे हो कैसे मेरे आईब्रो थ्रेडिंग बढ़ गई है, से बनवाना है बट ठंडी की वजह से कुछ भी नहीं बन कर। आज मैंने हल्का सा बस ब्लीच किया, हेयर कलर किया, अच्छा हुआ कि कर लिया। आज मुझे मार्केट जाना पड़ रहा है तो मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, गर्म कुर्ती, अभी मैं शॉल लूँगी। तो चलिए चलते हैं जल्दी से, 3 बज गया है। मैं, मेरी फ्रेंड और मेरी फ्रेंड की मम्मी, हम तीनों जा रहे हैं मार्केट। और क्यों जा रहे हैं मैं बता देती हूँ। मेरी जो फ्रेंड है उसके सिस्टर का शादी है, आपको मैंने पहले भी उसके एंगेजमेंट वाला वीडियो शेयर किया था, तो हम उनके लिए ही कुछ लेने के लिए जा रहे हैं गोल्ड। और क्या लेते हैं आगे आप लोग को मैं दिखाऊंगी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और ब्लॉग को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ये है सुहागन, हाँ यही है। अब पहली बार आ रहे हैं, तुम उधर ही रह गए। तो हमारी गोल्ड की शॉपिंग होने के बाद हम आए थे यहाँ पर सुहागन में। यहाँ से मैं हमेशा कपड़े लेकर जाती हूँ, और यहाँ मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि हमारे में बेटियों को खिचड़ी भेजा जाता है, तो इसलिए मम्मी ने हमारी मतलब पैसा दिया था मुझे पीहू को और प्रिंस का कपड़ा लेने के लिए। बट मैंने प्रिंस का नहीं लिया, मैंने अपना और पीहू का लिया, क्योंकि लड़कों का समझ में नहीं आता है मुझे, तो वो भाई के साथ जाकर लेकर आएगा। तो यहाँ पर मैं आई हूँ अपने लिए और पीहू के लिए कपड़ा लेने के लिए। तो ये जो है ना, ये पटियाला है, मुझे बहुत पसंद आया था बट इसका रेंज बहुत ज़्यादा था, 2000 था, तो मुझे रेंज इसका ज़्यादा लगा इस वजह से मैंने नहीं लिया। उसके बाद हमने आकर यहाँ पर गोलगप्पे खाए जो कि बहुत टेस्टी थे, और उसके बाद हम घर आ गए हैं। गाइस तो फाइनली हम घर आ गए और मैं कपड़े लेकर आई हूँ मेरा और पीहू का, थोड़ी देर में हम दिखाते हैं। तो जब तक मैं मार्केट में थी, मम्मी ने हमारे चूड़ा का लड्डू भी बना लिया है, और अब वो जोरन डाल रही है दूध में। तो गाइज, मेरे ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर किया करें। तो ये देखिए दूध, देख सकते हो आप कितने अच्छे से रेड हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे जोरन और हमारी दही हो जाएगी। ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।